सो हे गाइस, व्हाट्सअप, इट्स योर होस्ट टेक्निकल डॉक्स। आज के दिन बात करने वाले हैं होंडा एक्टिवा 7G के बारे में। काफ़ी टाइम से लॉन्च नहीं हुई और इसकी क्या अपडेट्स आई है लॉन्च डेट को लेके और प्राइस वगैरह को लेके कुछ चेंजेस हुए, तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। All these places that I go inside my head, try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time. So I will strive to be a better man, and I will die following my every plan, and you'll slowly fade away with time. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके क्लियर कट लॉन्च डेट के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले तो ऐसा लग रहा था कि अभी अगस्त में लॉन्च होने वाली एक्टिवा 7G, क्योंकि होंडा ने हिंट दिया था एक नई स्कूटी रिवील करने वाले हैं एक्टिवा की सीरीज में ही। तो इसमें सारे उन्होंने जो लोगो, फोटो वगैरह सारी चीज़ें लगाई थी वो होंडा एक्टिवा की जो नई सीरीज थी वैसे ही लग रही थी। मगर जब होंडा ने रिवील किया तो पता चला उनकी मार्केटिंग हाइप थी सारी। उन्होंने एक्टिवा 6G का प्रीमियम एडिशन, या कह सकते हो एक्टिवा प्रीमियम एडिशन लॉन्च किया था, तो उसमें स्पेशली इतना कुछ खास नहीं था। कलर वगैरह, गोल्ड प्लेटेड वगैरह रिम्स वगैरह चीज़ें आई थी, उसके अलावा कुछ खास नहीं था। ना इंजन वगैरह में अपग्रेड हुआ था, ना किसी चीज़ में। तो एक तरह से वही है गाइस कि उन्होंने 6G के स्टॉक को क्लियर करने के लिए और उसे थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से लोग जो अभी 6G नहीं खरीद रहे, वेट कर रहे हैं किसी और स्कूटी का, वो 6G पे जा सके। अब गाइस, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। हर साल का मतलब हर बार जो भी नई जनरेशन आने वाली होती है, उससे पहले क्या होता है होंडा जो अपना कम्प्लीटली लाइनअप जो चल रहा है करंट में उसको अपग्रेड करता है। जैसे कि अभी एक्टिवा 6G चल रही है तो उसने प्रीमियम एडिशन लेके आ गया, वो सेम टू सेम 6G जैसी होती है, मगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, ऐसे अलग कलर में आ जाती है, बस ये सारी चीज़ें। उसके कुछ महीनों बाद नई वाली जी, या मतलब अगला जनरेशन लॉन्च हो जाता है स्कूटी का। तो इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्टिवा 7G भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। अब परफेक्ट लॉन्च डेट की बात करें तो जो गाइस बेस्ट होगा वो होगा 15 जनवरी 2023 का, क्योंकि गाइस एक्टिवा जो 6G भी थी वो भी 14 जनवरी को लॉन्च हुई थी 2-3 साल पहले। अब गाइस इसी के साथ साथ बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोग पूछते हैं प्राइसिंग बढ़ेगी या नहीं, तो डेफिनेटली गाइस प्राइसिंग तो बढ़ने वाली है थोड़ी, क्योंकि इस बार होंडा काफ़ी अच्छे फीचर्स दे देगा एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनसे भी कॉम्पिटिशन बढ़ सके। इसकी वजह से प्राइसेज आप एक्सपेक्ट कर ही लेना काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे पहले से, लेकिन इतना भी नहीं होगा, 1 लाख की रेंज के अंदर ही होंगे। इसी के साथ साथ आपने इस वीडियो में देख लिया किस तरह से डिज़ाइन होने वाला है, और भी कोई चीज़ जाननी है कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ साथ इन चारों में से कोई भी एक वीडियो पर देख लेना। और गाइस, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। इसी के साथ साथ एक्टर 7G की प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और बाय गाइस।